हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लोज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है ट्यूसडे और अभी से मेरा जो ब्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि बहुत दिनों से मैं बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह अपना चैनल पे रेगुलर नहीं हूँ और आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट इस तरह से आ रहा था कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ। सारे जो इस तरह से जो रिव्यू वीडियो होता है या मेरे हॉल वीडियो होता है वो सब अपलोड कर रही हूँ। तो सच कहूँ तो एक्चुअली इन लॉस आए हैं तो इन लॉस के साथ थोड़ा सा मेरा जो टाइम का शेड्यूल है थोड़ा सा टाइट हो गई है, तो इसकी वजह से मैं जो भी पेंडिंग वीडियो मेरे पास था वही एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और रिव्यू वीडियो इस तरह से नहीं होता है कि कभी भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि ब्रांड का कुछ इस तरह से रहता है कि इतना टाइम में ही आपको वो वीडियो सबमिट करना पड़ता है, तो इसकी वजह से मैं टाइम टू टाइम वो वीडियो भी दे देती हूँ। तो थोड़ा सा शेड्यूल जो है टाइट गया था, बट आज से मेरा जो शेड्यूल है अभी मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के साथ जरूर ब्लॉग वगैरह शेयर करूंगी। तो टाइम हो रही है 8:30 और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। कल था सावित्री, तो आप लोग अगर सावित्री पूजा जानते हैं तो ये सुहागन की एक पूजा होती है पति की लंबी आयुष के लिए। तो वट सावित्री बिहार की साइड पे या पटना की साइड पे अगर आप रहते हो तो आपको पता ही होगा वट सावित्री उनको बोलते हैं और हमारे साइड में सावित्री पूजा ही बोलते हैं। तो कल फास्टिंग पूरा दिन था, फ्रूट्स वगैरह हम लोग खाए थे। अगर आप लोग सावित्री का ब्लॉग देखना चाहते हो तो मेरा जो दूसरा चैनल है उड़िया चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। बट श्योर नहीं हूँ कि ये वीडियो के बाद वो वीडियो आएगा, बट पता नहीं, मेरा जो शेड्यूल है उसके पहले भी दो वीडियो में एडिट करके रखा है, तो उसके बाद में सावित्री वाला ब्लॉग जो है वो चैनल पर डालूंगी। तो ये सब आप लोगों के साथ शेयर करना था। सोच रही थी कि कल लाइव आऊं बट नहीं हो पाया क्योंकि मंदिर से आने के टाइम पर 6 हो रहा था, बहुत ज्यादा चक्कर सा आ रहा था। तो कुछ फ्रूट्स वगैरह खाई और रात को साबूदाना का भिगो के रखा था, वो सब खाने के बाद में सो गई थी और ये जो चैनल में ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पाई और पोस्ट भी नहीं कर पाई। तो चलिए अभी चलते हैं किचन क्योंकि मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। तो पहले उठने के बाद मैंने सारे बर्तन को क्लीन किया था क्योंकि मैं और दीदी और सासू माँ तो नहीं खाएंगे, बट बचे लोग हस्बैंड मेरे भाई ये सब खाए थे, तो वो सब बर्तन पड़ा हुआ था। तो सुबह उठने के बाद बर्तन को साफ की, उसके बाद चली गई थी नहाने के लिए क्योंकि जब तक मैं नहा लेती हूँ तब मुझे फ्रेश नहीं फील होता है। तो बाहर जो है थोड़ा सा धूप निकली है आज है, लगता है कि धूप आएगा तो नहीं, बट कल और परसों बहुत ज्यादा जो वेदर है बहुत ज्यादा सोम के रखा था, बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तो चलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी क्योंकि सुबह भी बोर हो जाएगी और मेरा काम भी वो ही खत्म नहीं होगा। हेयर को मैंने कोम नहीं किया है तो जस्ट इग्नोर इट। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं। तो जिससे कि टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ मेरा ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर करने जा रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रावा की उपमा और उसके साथ करी शेयर करूँगी जो कि है चना की करी, जो मटर चना आता है उसका करी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा यम्मी सा ब्रेकफास्ट है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है और खुद भी बन जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को लग रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 9 to 10 पीपल के लिए आज ये ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो इसलिए कढ़ाई भी थोड़ा सा बड़ा ही है और बहुत बड़ा कढ़ाई मेरे पास एक ही है तो ये उसके थोड़ा सा छोटा है, तो ये कढ़ाई को मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा ग्रीन चिली, कटा हुआ ग्रीन चिली डाल रही हूँ। उसके बाद मैं डाल दूँगी बहुत सारे प्याज। प्याज को मैंने रफली चॉप किया है, आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी पीसेस कर सकते हैं, नहीं तो लंबे लंबे स्लाइसेस भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जितना खाना है प्याज आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। प्याज मैंने डाला है, उसके बाद आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मूंगफली भी डाल सकते हैं जो है पीनट्स, और पीनट्स का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, एक क्रंची सा आता है उपमा में, तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे करी लिप्स भी डाल दूँगी। करी लिप्स डालने के बाद आप उसको अच्छे से फ्राई करना है जैसे कि प्याज का जो कलर है वो थोड़ा सा ही ब्राउन कलर हो जाए, मीन्स पिंक कलर टाइप का हो जाए। ज़्यादा आपको कुक नहीं करना है प्याज को क्योंकि प्याज अगर ज़्यादा कुक हो जाता है तो उपमा का जो फ्लेवर है वो चला जाता है। और करी लीव्स को अच्छे से आपको फ्राई करना है जिससे कि सारे जो उसका गुण है वो ऑयल में आ जाए। उसको
फिर मैं यहाँ पर रोस्टेड सूजी ले रही हूँ। आपको अगर आपके पास रोस्टेड सूजी नहीं है तो आप चाहे तो थोड़ा सा कढ़ाई में ही सूजी को थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं रोस्टेड सूजी ले रही हूँ तो इसलिए डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। एक बाउल यहाँ पर रोस्टेड सूजी ले रही हूँ और पानी में उसके बाद डाल दूँगी। पानी का जो मेजरमेंट है वो 1:2 रखा है मैंने। अगर आप 1 कप पानी ले सॉरी 1 कप सूजी लेते हो तो आपको 2 कप पानी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्याज है आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अभी मैं इसमें पानी डाल दूंगी। 2 कप इसमें 2 बाउल्स यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। उसके बाद में सूजी डाल दूंगी। सूजी डालने के बाद इस तरह से आपको चलाना है और चलाने के बाद आपको इमिडिएटली सॉल्ट वगैरह डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करने के बाद आपको सूजी को इस तरह से ढक्कन लगा के छोड़ देना है ताकि वो अपने आप ही अच्छे से पक जाए। कुछ लोग क्या करते हैं फ्लेम को धीमी आंच पे रख के फिर सूजी को चलाते रहते हैं। उसके वजह से क्या होता है सूजी जो है ज़्यादा नहीं पकता है और बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड लगता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगता है और खाने के बाद वो डाइजेस्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसकी वजह से ये हमेशा मैं प्रोसेस फॉलो करती हूँ जो कि मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो अभी मैं बनाऊंगी चना की करी। चना की करी का जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप सुबह सुबह बहुत जल्दी में हैं तो ये ब्रेकफास्ट आप लोगों के लिए बहुत सही है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा कढ़ाई लिया है जो कि मेरे पास अवेलेबल था और कढ़ाई जो है ये 10 ईयर्स पुराना है तो जस्ट इग्नोर इट। और यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड डाला है। वो क्रैकल होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली और एक रेड चिली डाल दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी लहसुन को थोड़ा सा कूट के यहाँ पर डाल रही हूँ और साथ ही साथ प्याज को डाल रही हूँ। प्याज को अच्छे से भूनना है ताकि जो मसाले में जिस तरह से आप नॉर्मली कुक करते हैं प्याज को उस तरह से आपको कुक करना है। उसके बाद में लास्ट में ऐड कर लूँगी टमाटर। तो यहाँ पर मैंने करी लिप्स और थोड़ा सा टमाटर डाला है और ये मसाले को मैं अच्छे से अभी 5 to 10 मिनट्स के लिए धीमी आंच में पकाऊंगी ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और एक परफेक्ट मसाला बन जाए। तो दूसरे साइड मैंने एंजल के लिए भी ब्रेकफास्ट यहाँ पर बना रही हूँ और एंजल के लिए जो आज ब्रेकफास्ट बनेगा वो सिंपल उपमा बनेगा, क्योंकि ये जो मैंने उपमा घर में बनाया था वो नहीं खाती है क्योंकि उसको थोड़ा सा लिक्विडी मैं हमेशा खिलाती हूँ, नहीं तो गले में वो अटकता है। तो इसकी वजह से ये रेसिपी आप कि सारे जो बच्चे लोगों के लिए है, क्योंकि हमेशा मुझे पूछा जाता है कि मैं एंजल को किस तरह से खिलाती हूँ, क्या क्या ब्रेकफास्ट में खिलाती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है एक एक ब्लॉग में मैं एंजल का जो सारा रेसिपी वगैरह है, सारा खाना है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये नॉनस्टिक पैन एक लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद मैंने जीरा डाल दूँगी और थोड़ा सा मॉइस्चर चीज डाल दूँगी। बस इतना ही अभी डाल रही हूँ, आप चाहे तो उड़द दाल भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर चॉप करके प्याज डाल रही हूँ और प्याज को अच्छे से आपको चलाना है ताकि प्याज का जो कलर है वो चेंज होकर ब्राउन कलर हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर करी लिप्स डाल रही हूँ और करी लिप्स को भी आपको अच्छे से चलाना है। और फिर मैं यहाँ पर जो सूजी है उसको डाल दूँगी, पानी डाल दूँगी। इसमें इसका मेजरमेंट कुछ नहीं है, इस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए ही डालना है क्योंकि मैं हमेशा एंजल को थोड़ा सा लिक्विड करके खिलाती हूँ। तो आप अपने बच्चे के हिसाब से डाल सकते हैं, नहीं तो 1:2 भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सूजी डाल दिया है और स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दूंगी और बस पानी में ये सारे अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको 10 मिनट्स के लिए धीमी आंच में पकाऊंगी। बस हो गया है ये एंजल का ब्रेकफास्ट।
दूसरे साइड मेरा मसाला भी हो गया है, तो मसाला अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और साथ ही साथ थोड़ा सा चिकन मसाला इसमें डाल रही हूँ। अच्छा फ्लेवर के लिए आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, नहीं तो छोले मसाला भी डाल सकते हैं। छोले मसाला जो है बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, छोले मसाला डाल सकते हैं। और दूसरे साइड मैंने यहाँ पर आलू को बॉईल करके रखा था, तो आलू को अच्छे से इसको पील कर रही हूँ और उसमें फिर डाल दूंगी। और चना को मैंने पहले ही बॉईल कर दिया था। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, मैंने पहले से बॉईल करके रखा था, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर कढ़ाई में बना रही हूँ। और ये जो चना का करी का जो रेसिपी है, अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे या कढ़ाई में बनाएंगे, दोनों का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और किसी भी रोटी के साथ, चावल के साथ, या जो डोसा के साथ या उपमा के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे ड्राई स्पाइसेस मैं अभी ये डाल रही हूँ। ड्राई स्पाइसेस डालने के बाद मैं अच्छे से ही आलू को डाल दूंगी, जो बॉयल आलू है उसको हाथों में इस तरह से रैंडमली चॉप करके डालूंगी। उसके बाद चना डाल दूंगी, अच्छे से मिक्सअप करूंगी, उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दूंगी। बस हो गया है। और उसके बाद मैं लास्ट में थोड़ा सा वार्म वाटर डाल रही हूँ। वार्म वाटर मैंने इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर आप ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो करी का जो टेस्ट है थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर वार्म वाटर डाल रही हूँ। अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में और थोड़ा सा 10 मिनट्स के लिए उसको धीमी आंच पे बॉईल करूँगी ताकि जो चना है अच्छे से पक जाए और जो मसाला का जो फ्लेवर है अच्छे से करी के अंदर आ जाए। तो ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है। और उसके साथ मैंने एक केक का पीस था, तो मेरे पास ये केक का पीस ले रही हूँ। और उसके बाद हम लोगों का फिर से स्टार्ट हो गया था वो लंच रूटीन, ये सब डेली का जो रूटीन होता है वो सब स्टार्ट हो गया था। और ये छोटा सा जो गार्डन है किस तरह से लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 5:30 हो गई है, तो हम लोग नीचे जाने वाले हैं और एंजल को लेकर यहाँ पर मैं नीचे जा रही हूँ। तो बस ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट रूटीन। और बेसिकली मेरा इरादा था कि आप लोगों के साथ मेरा ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर करूँगी, तो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट रूटीन मैंने आप लोगों के शेयर किया, आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।